हाय फ्रेंड्स, आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स में आर्डिनो और अन्य माइक्रो कंट्रोलर्स का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उनकी कीमत काफ़ी कम हो गई है और उनकी कोडिंग ओपन सोर्स होने की वजह से काफ़ी आसान और फ्री है। बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ हेडर पिन सोल्डर नहीं किए हुए होते हैं, बल्कि उन्हें हमें ही सोल्डर करना पड़ता है। हेडर पिन्स को अपने आप सोल्डर करने में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो थोड़े से भी टेढ़े सोल्डर हो जाए तो वो ना तो ब्रेडबोर्ड में ना किसी पीसीबी में फिट हो पाते हैं। उनको डीसोल्डर कर ठीक करना भी काफ़ी मुश्किल है और वो हमारे किसी काम के नहीं रह जाते। इस वीडियो में हम माइक्रो कंट्रोलर्स में हेडर पिन्स को सोल्डर करने की सही विधि को देखेंगे। अब हम एक मॉड्यूल पर हेडर्स को सोल्डर करेंगे। हम यहाँ पर WeMos D1 मिनी मॉड्यूल, जो कि ESP8266 चिप पर आधारित है, उस पर हेडर्स को सोल्डर करेंगे। इस मॉड्यूल के साथ तीन अलग अलग किस्म के हेडर्स आते हैं। हम तीनों तरह के हेडर्स को किस तरह से सोल्डर करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस पैकेट में दिए हुए निशान पर खोलने के बाद भी पैकेट खुल नहीं रहा है, क्योंकि इसके सीलिंग और बना हुआ निशान मैच नहीं कर रहे हैं। चलिए अब इसको कैंची से काट कर खोल लेते हैं। देखिए, इस मॉड्यूल के साथ तीन प्रकार के हेडर्स आए हैं, दो सेट फीमेल के और एक सेट मेल का। इसमें एक फीमेल सेट के पिन्स बड़े हैं और दूसरे के छोटे। मेल हेडर सेट के पिन्स नॉर्मल है। हम हेडर्स को सोल्डर करने के लिए ब्रेडबोर्ड की सहायता लेंगे। ब्रेडबोर्ड का इस्तेमाल करने से हमारे हेडर्स मॉड्यूल के साथ राइट एंगल में रहेंगे और हमें किसी सोल्डरिंग थर्ड हैंड की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि इन अलग अलग तरह के हेडर्स को इस मॉड्यूल पर कैसे सोल्डर किया जा सकता है। सबसे पहले हम मेल हेडर्स को सोल्डर करने का तरीका देखेंगे, क्योंकि हमें इस मॉड्यूल में मेल हेडर्स को ही सोल्डर करना है। इसके लिए सबसे पहले हम मॉड्यूल में एक एक कर दोनों तरफ मेल हेडर्स की छोटी पिंस वाले हिस्से को इस तरह से बैठा लेंगे। फिर दोनों हेडर्स को पकड़कर उनको ब्रेडबोर्ड में इस तरह से दबाकर फिक्स कर देंगे। अब ब्रेडबोर्ड को उठाकर यह निश्चित कर लेंगे कि हेडर्स उसमें अच्छी तरह से बैठ गए हैं कि नहीं। जैसे कि यहां पर यह हेडर अभी थोड़ा सा बाहर को है, इसको हल्के से दबाकर पूरी तरह से बैठा लेते हैं। अब हम इन दोनों हेडर्स की छोटी पिंस को मॉड्यूल के साथ सोल्डर कर सकते हैं। हम अभी इनको सोल्डर नहीं करेंगे, क्योंकि सोल्डर करने के बाद फीमेल हेडर्स के सोल्डर करने की प्रक्रिया को नहीं दिखा पाएंगे। इसीलिए सोल्डर करने से पहले एक बार फीमेल हेडर्स को लगा कर देख लेते हैं। मॉड्यूल को मेल हेडर्स में से निकाल लेते हैं और मेल हेडर्स को ब्रेडबोर्ड पर जो का त्यों रहने देते हैं। अब छोटे पिन वाले फीमेल हेडर्स को एक एक कर मॉड्यूल में इस तरह से बैठा लेते हैं। अब इन हेडर्स के फीमेल साइड को मेल हेडर की छोटी पिन पर इस तरह से बैठा लेते हैं। अब हम फीमेल हेडर्स की पिन्स को मॉड्यूल के साथ सोल्डर कर सकते हैं। ध्यान रहे कि सबसे पहले हमें किनारे की चार पिन्स को सोल्डर करना चाहिए और उस समय मॉड्यूल को हल्का सा सहारा देना चाहिए, ताकि फीमेल हेडर्स मॉड्यूल के परपेंडिकुलर रहें। छोटे पिन्स वाले फीमेल हेडर्स का इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब हमें या तो इस मॉड्यूल के ऊपर कोई शील्ड लगानी हो या हमें मेल ड्यूपॉन्ट वायर्स के जरिए कनेक्शंस करने हो। छोटे पिन्स वाले हेडर्स को सोल्डर करने के बाद हम इस मॉड्यूल को ब्रेडबोर्ड पर नहीं बैठा सकते हैं। अगर हमें फीमेल हेडर्स के साथ मॉड्यूल को ब्रेडबोर्ड पर लगाना हो या किसी और फीमेल हेडर्स पर बैठाना हो, तो हमें छोटी पिन्स के बदले बड़े पिन वाले हेडर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए अब बड़े पिन वाले फीमेल हेडर्स को सोल्डर करने के तरीके को देख लेते हैं। इन हेडर्स को हम मॉड्यूल में इस तरह से बैठाएंगे, क्योंकि इस हेडर्स के पिन्स थोड़ी सी मुड़ गई हैं, उनको सीधा कर लेते हैं। अब इनको मॉड्यूल में बैठा लेते हैं।
पहले की तरह ही इन हेडर्स के फीमेल साइड को मेल हेडर्स की छोटी पिन पर बैठा लेते हैं। अब हम इन बड़ी पिन्स को मॉड्यूल के साथ इस तरह से सोल्डर कर सकते हैं। ध्यान रहे कि बड़ी पिन वाले हेडर्स को सोल्डर करने के समय हमें सोल्डर बड़ी सफाई से करना चाहिए। अगर किसी वजह से अतिरिक्त सोल्डर पिन्स पर लग गया तो वह पिन ब्रेडबोर्ड में या दूसरे फीमेल हेडर में नहीं जा पाएगी और उसको हमें सोल्डरिंग विक की सहायता से साफ करना पड़ेगा। चलिए अब इन फीमेल हेडर्स को एक तरफ रखकर मॉड्यूल को दोबारा मेल हेडर्स की छोटी पिन पर बैठा लेते हैं और सोल्डर करने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। सोल्डरिंग आयरन को ऑन कर देते हैं। अब पिन्स और मॉड्यूल के ऊपर अच्छी तरह से फ्लक्स लगा देते हैं। हम यहाँ पर लिक्विड फ्लक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कोई सा भी अच्छा फ्लक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ही बारीक सोल्डर करेंगे, इसीलिए फ्लक्स की क्वालिटी का अच्छा होना जरूरी है, नहीं तो सोल्डर करने में दिक्कत आएगी और हो सकता है कि हमारा सोल्डर कुछ समय के बाद खुल जाए। हम यहाँ पर कोनिकल पेंसिल टाइप बिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमें जिन पिन्स को सोल्डर करना है वो काफी पास पास है और नॉर्मल बिट का इस्तेमाल करने से ब्रिज होने की ज्यादा संभावना रहेगी। चलिए अब अपनी सोल्डरिंग आयरन की बिट को रीटिनिंग करके अच्छे से साफ कर लेते हैं। अब टिप पर सोल्डर लगाकर किनारे वाले किसी भी एक पिन को सोल्डर कर लेते हैं। ध्यान रहे, सोल्डर करने के दौरान हमें मॉड्यूल को दूसरे हाथ से हल्का सा दबाकर रखना चाहिए, ताकि मॉड्यूल हेडर के साथ पूरी तरह से चिपका रहे और राइट एंगल पर सोल्डर हो। अब इस पिन के डायगोनल वाली पिन को भी सोल्डर कर लेते हैं। देखिए, सोल्डर पूरी तरह से फ्लो नहीं कर रहा है। सोल्डर पूरी तरह से नहीं पिघल पा रहा है कि पहचान यह है कि जब हम सोल्डरिंग टिप को हटाएंगे उस समय पिघला हुआ सोल्डर टिप के साथ इस तरह से खिंचता चला आएगा। क्योंकि हम टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस समस्या का एक ही कारण हो सकता है कि फ्लक्स की मात्रा कम है, इसलिए हम फ्लक्स को दोबारा लगाएंगे। देखिए, अब सोल्डर अच्छे से फ्लो कर रहा है। अब यह पिन भी सोल्डर हो गई है। अब आगे बढ़ने से पहले यह निश्चित कर लेते हैं कि हमारे मॉड्यूल के साथ हेडर्स राइट एंगल पर है। अगर ऐसा नहीं हो तो सोल्डर को पिघला कर एंगल को ठीक कर लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हेडर्स राइट एंगल पर है, हम पहले वाली प्रक्रिया को दोहराते हुए दो बची हुई किनारे वाले पिन्स को भी सोल्डर कर लेते हैं। अब हमने मॉड्यूल के चारों सिरों को सोल्डर कर लिया है, इसी वजह से अब हमें मॉड्यूल को दबाकर रखने की जरूरत नहीं है और अब हम दोनों हाथों की सहायता से बाकी पिन्स को आसानी से सोल्डर कर सकते हैं। अब हम एक एक कर सभी बची हुई पिन्स को सोल्डर कर लेते हैं। अच्छा सोल्डर करने के लिए सबसे पहले हमें सोल्डरिंग टिप को पिन और सोल्डरिंग पैड के साथ लगाकर रखना चाहिए, ताकि वो दोनों गर्म हो जाए।
उसके बाद हमें सोल्डर वायर को सोल्डरिंग टिप और पिन के साथ लगाना चाहिए और जब उपयुक्त मात्रा में सोल्डर पिघल जाए उस समय सोल्डर वायर को हटा लेना चाहिए। सोल्डरिंग टिप को कुछ सेकंड्स तक उसी तरह लगाकर रखना चाहिए ताकि सोल्डर अच्छी तरह से फ्लो कर सभी जगह पहुंच जाए। अब धीरे से सोल्डरिंग टिप को ऊपर की तरफ सीधा उठा लेना चाहिए। इस तरह से सोल्डर पिन के चारों तरफ एक कोन के फॉर्म में लग जाएगा। अच्छे सोल्डरिंग जॉइंट की पहचान यह है कि सोल्डर में चमक होनी चाहिए। अगर चमक ना हो तो हमें दोबारा फ्लक्स लगाकर सोल्डरिंग टिप को लगाकर सोल्डर को दोबारा मेल्ट कर धीरे से ऊपर की तरफ उठा लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर सोल्डर की मात्रा ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से इन दोनों पिंस के बीच में ब्रिज हो गया है। इसके लिए हमें पहले अपनी सोल्डरिंग टिप को साफ कर लेना चाहिए ताकि वहां पर से अतिरिक्त सोल्डर निकल जाए। अब इन दोनों पिंस के बीच में टिप को इस तरह से लगाकर ऊपर की तरफ उठाने से ब्रिज हट जाएगा। हम यहाँ पर सोल्डर करने के समय इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि एक के बाद एक अगल बगल वाली पिंस को सोल्डर ना करें, क्योंकि एक साथ वाली पिंस को सोल्डर करने की वजह से वहाँ का तापमान इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि हमारा मॉड्यूल खराब हो जाए। हम नॉर्मल मेल हेडर्स का इस्तेमाल उस समय करते हैं जब हमें या तो मॉड्यूल को ब्रेडबोर्ड पर लगाकर काम करना हो या हमें पीसीबी पर मॉड्यूल को सोल्डर कर उसका इस्तेमाल करना हो। नीली दिखने वाली मैट सिलिकॉन रबर की बनी हुई है जो कि विशेषतः सोल्डरिंग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हमारी सोल्डरिंग आयरन टेम्परेचर कंट्रोल्ड है और इसका मॉडल TS100 है। हमारी राय में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स के लिए यह एक बेहतरीन सोल्डरिंग स्टेशन है। इसके लिए 9 तरह के अलग अलग बिट्स उपलब्ध है जो हर तरह के सोल्डरिंग को कवर करते हैं। इस सोल्डरिंग आयरन के बारे में हम विस्तार से अलग से एक वीडियो बना रहे हैं जिसे हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। हमने इस सोल्डरिंग आयरन को बैंगूट से मंगवाया था। यह अमेजन पर भी उपलब्ध है पर अमेजन पर इसकी कीमत बैंगूट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, पर बैंगूट से इंडिया आने में करीब 10 दिन लग जाते हैं। सारी पिंस सोल्डर हो गई हैं। अब हम सब पिंस के सोल्डर को नज़दीक से चेक कर लेते हैं। किसी रकम की कमी दिखने पर उसको दोबारा सोल्डर कर उसको ठीक कर लेंगे। यहाँ पर आप जो भी सामान देख रहे हैं वह हमने अमेजोन और बैंगूट से मंगवाया है। अगर आप इनमें से कोई भी सामान खरीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक का उपयोग करें। इस लिंक का उपयोग कर अमेजॉन से 24 आवर्स के अंदर और बैंगूट से 15 दिन के अंदर आप कुछ भी खरीदेंगे तो हमारे चैनल को उसका एक छोटा सा कमीशन मिलेगा और आपके लिए उस सामान की कीमत बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। इस तरह से आप हमारे चैनल को बिना कुछ खर्च किए सपोर्ट कर सकते हैं। अब एक बार हम किनारे वाले पिंस को दोबारा सोल्डर कर लेते हैं, क्योंकि पहली बार सोल्डर करने के समय हो सकता है सोल्डर सही तरीके से ना हुआ हो, क्योंकि उस समय हमने पिंस और पैड को प्रीहीट नहीं किया था।
हम देख सकते हैं कि सब शोल्डर्स कोनिकल फॉर्म में है और उनमें चमक भी है। हम यह भी देख सकते हैं कि मॉड्यूल और हेडर के बीच में किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है और हेडर्स मॉड्यूल के साथ बिल्कुल राइट एंगल पर सोल्डर हुए हैं। अब हम इस मॉड्यूल को ब्रेडबोर्ड पर लगा सकते हैं या चाहे तो इसको पीसीबी पर सोल्डर कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।